ये डबल साइलेंसर के साथ आता है, 250R मॉडल अभी हम चला के आए हैं इसको। और तो गाइस ये 3 मास्टर कॉपी हैं और बाकी जो सारे हैं वो रेप्लिकाज हैं। एंड आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो ख़रीदने के लिए। एंड यहाँ पे भी थोड़े बहुत बॉबर्स हेलमेट, उनकी भी रेंज है। हम यहाँ पे एक जंक्शन पे पहुंचे जहाँ पे सारी गाड़ियाँ वगैरह चेक हो रही हैं, और उस पॉइंट के बाद हम आगे जाएंगे जो आगे जाके फिर नेपाल की तरफ जाके पंसार वगैरह कटता है, गाड़ी का कटता है। और यहाँ पे आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह दिखा के नेपाल में एंटर कर सकते हो। तो हम इस रोड से आए थे और यहाँ वाला जो इलाका है, यहाँ से हमने ऐसे यू टर्न लिया और इधर आके यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रहा है। हम यहाँ पहुँच गए कस्टम्स में। यहाँ पे एक भंसार करके होता है, वो बनाना पड़ता है अपना, और गाड़ी के डॉक्यूमेंट तो मैं लाया नहीं, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, भंसार बनाते हैं और अंदर चलते हैं और आप लोगों को नेपाल दिखाते हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं बाइकर मॉज में, और अब बाइकर मॉज में आपको आगे दिखाते हैं हम क्या देखने आए हैं यहाँ पे। तो चलो आपको मिलाते हैं अंदर भाई लोगों से और दिखाते हैं सामान। नो, सो वी हैव कम टू बाइकर मॉज एंड यहाँ पे बाइक के एसेसरीज हैं, डेनिसी का रेसिंग जैकेट, अल्पाइन स्टार्स अगेन, ऑफ रोडिंग। यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग का कल्चर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आज। एंड ये आप देख सकते हो हेलमेट की रेंज, सोमन करके आते हैं ऑफ रोडिंग के हेलमेट्स। उसके बाद जैसे हमारे LS2 आते हैं, यहाँ पे SA2 करके है, ये देख लो। और ये कार्बन फाइबर की सीरीज़ है जो बहुत लोग शोकेस कर चुके हैं ये कार्बन फाइबर अपने ब्लॉग में। एंड दीज आर रेप्लिकाज, नॉट द मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी अलग आती है, मास्टर कॉपी नहीं अपने पास अभी। ये राफा, ये शोई वाला। तो गाइस ये 3 मास्टर कॉपी हैं और बाकी जो सारे हैं वो रेप्लिकाज हैं। एंड आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो ख़रीदने के लिए। एंड यहाँ पे भी थोड़े बहुत बॉबर्स हेलमेट, उनकी भी रेंज है। ये वाला डुकाटी पे अच्छा लगेगा, ये दिस वन विल लुक वेरी गुड ऑन डुकाटी X14। और इसमें और मेन में क्या फर्क है मास्टर कॉपी और इसमें? इसमें जो मेरे को उतना अच्छा नॉलेज नहीं है ना, बट सेफ्टी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से इसका पैकिंग सब कुछ अच्छा है। मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को उतना बात नहीं करना नहीं आ रहा है, इसलिए हिंदी कम आता है। हाँ भाई का हिंदी कम आता है, तो भाई कमेंट करो इसको हिंदी सिखाएंगे आगे। हम सिखाएंगे, हम विस्तार से सीखेंगे ना। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये शोई का रेप्लिका है ना, शोई का रेप्लिका है। सारा कार्बन फाइबर का सेगमेंट है रेप्लिकाज में, राफा 11 जोकर एडिशन, शोई X14, AGB पिस्ता GPR, AGB पिस्ता GPR, ये सारे ऊपर वाले रेप्लिकाज हैं। ये 3 मास्टर कॉपी है, फर्स्ट 3 वो है ये। आई एम प्लानिंग फॉर अ डर्ट बाइक फ्रॉम नेपाल, जस्ट लाइक जटप्रभ जोत भाई, वो पहले यूट्यूबर थे जिन्होंने इंडिया से एक डर्ट बाइक उठाई। हम सोच रहे हैं हम दूसरे हों। एंड दिस इज CBR 250R है या X है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि इंडिया में ये आता नहीं है। तो अभी उन्होंने वो आके बताएंगे कि ये कैसा है, क्या है, एंड क्या क्या प्रोसीजर होता है इसको इंडिया ले जाने के लिए। अगर कोई इंडिया से देखना है या ख़रीदना चाहता है तो क्या क्या सीन रहता है। और वो खड़ी अपनी JK को हम नेपाल ले आए हैं प्रदेश में। तो यहाँ पर इनका थोड़ा बहुत चेन क्लीनर वगैरह का सेट है, एंड ऊपर पीछे आई थिंक सर्विस सेंटर है जहाँ पे एक बाइक लगी हुई है और सर्विस हो रही है। भैया अभी हमें इस बाइक के बारे में थोड़ा बताएंगे। भैया कौन सी बाइक है, क्या है ये? CSREM है, 250। हाँ 250। और यहाँ पे क्या, कितना CC है, क्या है, क्या रेट पड़ता है नेपाल में इसका? इसका नेपाल में 7.5 लाख रुपया, देखिए 8.5 लाख रुपये पड़ता है इसका प्राइस।
8.5 लाख रुपए की। यहाँ पे डर्ट बाइक ज्यादा चलती है, सुपर बाइक ज्यादा नहीं चलती। सुपर बाइक ज्यादा नहीं चलती। नहीं ना, आपको यहाँ पे हुआ आर्डर बाइक, हुआ ये सब, हुआ ये डर्ट बाइक, हुआ केटीएम, केटीएम हुआ चलता है, ये सब आई। डुकाटी नहीं चलता, डुकाटी नहीं चलता है कहीं पूरे नेपाल में है? डुकाटी पूरे नेपाल में नहीं है ही नहीं है, है नहीं। कावासाकी है, हाँ बीएमडब्ल्यू है। अच्छा है बीएमडब्ल्यू कावासाकी, बीएमडब्ल्यू नहीं चलता है। देखो ये देखो आप बढ़िया सी डर्ट बाइक डबल साइलेंसर के साथ, डबल साइलेंसर है, मोजो बाइक भी है, मोजो महिंद्रा का मोजो है, वो भी है, बेनेली भी है। तो बहुत सारे ब्रांड हैं यहाँ पे और बढ़िया सा नेपाल नंबर। इसको इंडिया लेके जा सकते हैं? इंडिया में आप ले जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये बाइक बैंड है। हाँ इंडिया ने ये बाइक बैंड कर सके, पहले ही बैंड करा। तो फिर शाम को जा के लिए किसकी वजह से? साउंड के, आवाज की वजह से। आवाज की वजह। पर ये डर्ट बाइक तो अच्छा है, हाइट भी अच्छा है, ऑफ रोडिंग वगैरह करने के लिए माइलेज 15 से 20 माइलेज देता है। हाँ और टैंकी कितना है इसका? टैंकी इसका आता है 7 लीटर। देखिए यहीं से खुलता है? हाँ, 8 लीटर का टैंकी आता है। कार बेटर है अभी इसे, अभी एक और नया मॉडल आया है इसका, FI भी आया है। FI? हाँ FI भी आया है अभी नया में। तो आगे से कुछ ऐसा ही तो भाई कमेंट करके बताओ, इसको लेते हैं बस, लेके जाते हैं इसको। ये डबल साइलेंसर के साथ आता है, 250R मॉडल अभी हम चला के आए हैं इसको। और ऐसा है कि जो डॉट बाइक है वो देखने हम बीरत मोड आए थे, यहाँ पे बाइकर मॉड्स के पास बाइक देखिए, CBR 250, उसके बाद CRX, उसके बाद हस्क्वाना, 3-4 चीज़ें हैं जो फाइनल हो रही हैं एंड उन सबको फाइनल करके आपको बताएंगे बाइक क्या डिसाइड हुआ, फाइनली क्या, कौन सी बाइक लेने वाले, कौन सी बाइक नहीं लेने वाले। तो आप देख सकते हो हमने ये थैली ले ली और हम मोमोज ढूंढ रहे हैं नेपाल में, कि ये मोमोज खाएंगे और फिर वापस जाएंगे भारत में। भारत, 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 भारत।